हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। एक कमेंट मैसेज अक्सर मुझे मिलता था कि सर मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या आप हमें बुक रिकमेंड कर सकते हैं, क्या कौन सा बुक लेना है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं जो बेस्ट बुक मुझे लगता है ना, मतलब रिकमेंडेड बुक्स फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी बुक्स आते हैं ना, ये जो गाइड बुक आते हैं मार्केट में बहुत सारे, है ना, जिसमें एक ही बुक रहेगा, सारे चैप्टर रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उससे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जो कंटेंट है वो पढ़ने लायक कंटेंट नहीं होता है, वो बहुत अच्छा बुक नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी आप अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई काइंडली गाइड बुक मत परचेज करें, ठीक है। मैं आपको पता है कि 10 यूनिट है आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 100 यूनिट से रिलेटेड कौन सा बुक्स कैसा है कैसा नहीं है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको। जैसा कि पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपको पता है कि कल से मतलब 5th जुलाई 2024 से, ठीक है, दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट का मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस आपको यूट्यूब में यहीं पे फ्री मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको जो क्लासेस मिलेगा उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप मेरे वेबसाइट www.recc.org.in पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काइंडली अगर आप यूजीसी नेट के सीरियस एस्पिरेंट हैं, सच में चाहते हैं बेहतर करें, इजी वे में इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही करते हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है उस पर, ठीक है। हाँ, बाकी सिर्फ अगर इकोनॉमिक्स कीजिएगा तो उसमें उसका फी का 30% डिस्काउंट है, काफी रीजनेबल है, ठीक है, और वैलिडिटी काफी लंबा समय मिल रहा है ना। बाकी एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एकेडमिक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूजी इकोनॉमिक्स, इग्नू इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजी कॉमर्स, आईकॉम, इन सबके कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे ऐप में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स, सीयूईटी यूजी पीजी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ठीक है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। काइंडली पहले आप ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ठीक है ना, और नहीं तो आप प्ले स्टोर में डायरेक्टली सर्च मारिए राज इकोनॉमिक्स, आपको आ जाएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आर वाला ये लोगो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा बुक रिकमेंडेड है यूजीसी नेट के लिए मेरे अकॉर्डिंगली। और एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर अगर आपको ये बोलता हो कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूं सिर्फ उसको कर लो उससे आपका नेट हो जाएगा, ठीक है, मत करना, वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। सच में अगर आप चाहते हैं अच्छे से नॉलेज गेन करते हुए, है ना, जो भी आजकल देख रहे हो ना लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यूजीसी नेट किस तरह से दे रहा है, एनटीए किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, तो अगर कोई कोचिंग का नोट्स आप ले लिए और सोचे इस नोट्स के द्वारा मेरा यूजीसी नेट हो जाएगा, तो आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ बनते ही रह जाओगे वैसे, ठीक है। टीचर पढ़ाएंगे बहुत अच्छी बात है, वो गाइडेंस आपको देंगे अच्छी बात है, नोट्स देंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन बुक भी अलग से आप जरूर पढ़ना, ठीक है ना, बुक भी जरूर पढ़ना, चूंकि यूजीसी नेट वगैरह का जो एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपको टीचर की आवश्यकता है, लेकिन टीचर की आवश्यकता के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, सिर्फ टीचर आपको नहीं करवा देगा यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, ठीक है। अगर ये सोच के आप कहीं पर भी जाते हैं कि मेरा हम कोचिंग ज्वाइन कर लिए, ट्यूशन चले गए हैं, अब मेरा नेट हो ही जाएगा, ठीक है, तो भाई लिख के ले लीजिए, वैसा नहीं होता है, ठीक है, आप में डेडिकेशन भी आना पड़ेगा, स्टूडेंट भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज हम लोग जो रिकमेंडेड बुक है वो यूनिट नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें दो बुक जो पर्सनली मुझे काफी पसंद है, डायरेक्टली कई बार मैं क्वेश्चन देख चुका हूं यूजीसी नेट में इससे पूछते हुए, वो है हाल आर वेरियन, मतलब एचआर वेरियन का बुक, और एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी जो कि एस चांद का, एच एल आहूजा जी का, ठीक है।
ये दो ऐसे बुक हैं जिसको अगर आप क्या करो, पूरा नहीं पढ़ लो, सिलेबस है ना आपके पास यूजीसी नेट का, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जो टॉपिक है मैच करता है वो दोनों चैप्टर में जरूर पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ोगे, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, जो मैं नोट्स दूंगा उसको रीड कर लेना, एंड देन उसी टॉपिक को आप अपने जो भी दोनों में से कोई एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं 10 बुक रखना भी वो व्यर्थ है, ठीक है। तो कोई एक जो आपको अच्छा समझ में आता है, ठीक है, अगर बेसिक आपका ठीक ठाक है तो HR वेरिएंट ले लिए, बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते तो फिर HR आहूजा का बुक आप जा सकते हो, ठीक है। यूनिट टू जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें सबसे बढ़िया बुक मैनक्यू का बुक है, ठीक है, मैनक्यू ये जो हमारा है ये बेहतरीन बुक है, डायरेक्ट सवाल इससे कई बार पूछता है, ठीक है ना। तो जो सिलेबस में इसमें रीडिंग जरूर किया कीजिएगा, ब्रीफ नोट्स भी बनाइएगा, साथ ही HR आहूजा का बुक मैक्रो इकोनॉमिक से भी काफी ज्यादा आपको हेल्प देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में आपका सबसे एक आपका SC गुप्ता का जो बुक है, ठीक है, ये बुक आपका बढ़िया है ना। कौन सा बुक बढ़िया है आपका, जो SC गुप्ता का बुक है ये काफी बढ़िया बुक है ना। और इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स का जो बुक है ये जो इकोनोमेट्रिक्स का बुक है दामोदर गुजराती का, ये काफी बेहतर बुक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं जो भी सेक्शन कर रहा हूं, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो चाहे इकोनोमेट्रिक्स हो, ठीक है, तो आप SC गुप्ता का दो बुक आता है, एक होता है फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स और एक आता है ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये ज्यादा अच्छा बुक है, ठीक है, इसमें चीजें काफी डीप दिया गया है। सिलेबस देखिए, सिलेबस इसी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इकोनोमेट्रिक्स में भाई गुजराती का कोई तोड़ नहीं है, लाख बुक हो, वुडरिच हो, ठीक है, कुर्सियानीज हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन आप ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप तुरंत चाहते हैं नेट अभी निकालना तो 10 तरह का बुक सबका नहीं ना पढ़ पाओगे, तो दामोदर गुजराती का बुक आप ले लीजिए, ठीक है। दामोदर गुजराती का बुक जो है ये वाला बुक आपको मिलेगा, ये 5th एडिशन है, 4th एडिशन भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में यहां से आपका काम हो जाएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भाई देखो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पहले मैं बच्चों को बता देता हूं, देखिए अगर आप ना ग्रेजुएशन में है और ग्रेजुएशन में अगर आपको चूज करने का ऑप्शन देता है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ले या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ले, मेरा पर्सनल सजेशन है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बहुत बच्चों को देखते हैं परेशान रहते हैं कि सर हमसे मैथ नहीं होगा। यूजीसी नेट थोड़ा ना वो जानता है कि आपसे मैथ नहीं होगा, वो तो सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक हमारे पास सिडर्सन हेमंड का बुक है और एक AC चियांग का बुक है, ये दो सबसे बेहतरीन बुक है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक से चाहिए तो मेहता मदनानी का बुक आता है, ठीक है, मेहता एंड मदनानी का, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये इजी वे में दिया, काफी सिंपल बुक है, लेकिन इसमें क्या है ना आंसर वगैरह में बहुत गलती दिया है। ये ऐसा बुक है जो धीरे धीरे न्यू एडिशन लाता है लेकिन सुधारता नहीं है, ये गलती इस बुक का बहुत बड़ा है। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो भाई सेल्वाटोर बेस्ट है, लेकिन सेल्वाटोर तब बेस्ट है जब आपको बेसिक आता है, नहीं आता है तो आप ML झिंगन का खरीद लीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इससे आप पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़िएगा, चूंकि चैप्टर्स तो बहुत सारे दिए हुए हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत बड़का विद्वान नहीं बनना है, विद्वान बनने के लिए आप रिसर्च करना, ठीक है ना, आप अपना सिलेबस को अच्छे से पूरा कर लो, ठीक है। तो जितना सिलेबस कहेगा उतना ही पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही जाती है कि बच्चे आजकल जानते तो हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है पता नहीं होता है, तो क्या नहीं पढ़ना है उसको छांटना है कि ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल नहीं रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स, एक तो RK लेखी का बुक बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन मुझे RK लेखी से ज्यादा अच्छा BP त्यागी का बुक लगता है, BP त्यागी या फिर HL भाटिया, HL भाटिया, ये दोनों में से किसी, अगर RK लेखी आप ले रहे तो ठीक है, नहीं तो BP त्यागी ले लीजिए, HL भाटिया ले लीजिए, कोई भी। बाकी देखो होता क्या है ना, पब्लिक फाइनेंस से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी जनरली रहता नहीं है, ठीक है,
नेक्स्ट यूनिट में आपका मनी एंड बैंकिंग है। तो मनी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आप बुक लिए हो मैनक्यू का और एचएल आहूजा का, वहां से मैक्सिमम चीजें आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जो नहीं होगा वो आपका इंडियन इकोनॉमी का जो बुक रहेगा ना, वहां पे आपको बाकी चीजें मिल जाएगी, तो अलग से बुक लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक गुप्ता का आता है, एस बी गुप्ता शायद आते हैं, ठीक है, उनका बुक आता है वो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है एच एल आहूजा का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है मैनक्यू का है, उसके कुछ उससे आपको कुछ टॉपिक्स वहां मिल जाएंगे, जो जो इंडिया से रिलेटेड है वो इंडियन इकोनॉमी के बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आरके लेखी जो है बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एपी त्रिवाल का ले सकते हो, ठीक है, एपी त्रिवाल का ले सकते हैं, हैरिस टोडारो का ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आरके लेखी का लीजिए, वो अच्छा है, अच्छे से थ्योरेटिकल मैथमेटिकल दोनों वे में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। बाकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी के लिए क्या करना है भाई, इसका ना इग्नू का जो बुक है ना, इग्नू का बुक से आप पढ़िए, ठीक है। इग्नू आप अगर इग्नू का बुक अगर आपके पास आप चाहें तो गूगल से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इग्नू ई कंटेंट एक ऐप है, ठीक है, इग्नू ई कंटेंट, यहां से बुक आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी भी आपको टॉपिक वहां पे मिल जाएगा, है ना, और नहीं तो इसका भी एमएल झिंगन का बुक आता है, ठीक है, एमएल झिंगन का बुक आता है, लेकिन मैं कहूंगा एमएल झिंगन से बेटर यहां पे ये पेपर में काम आपका इग्नू करेगा, ठीक है। हाँ अगर आप चाहें तो इग्नू का सब पेपर पढ़ सकते हैं, इग्नू का बुक बहुत अच्छा है, बैचलर्स का पढ़िए फिर मास्टर्स का पढ़िए, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लेकिन मैं सेपरेट सबका बुक बता दिया जो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब सवाल आता है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान, सर क्या क्या पूछते रहता है बार बार, कभी कुछ पूछ देता है, ठीक है। तो बाबू देखो इसके लिए सबसे अच्छा जो बुक आता है ना, दत्त एंड सुंदरम का जो इंडियन इकोनॉमी है, दत्त एंड सुंदरम का 73rd एडिशन अभी आया हुआ है, ठीक है, उसको आप ले सकते हो, राइट, दत्त एंड सुंदरम का बुक है। इसके अलावे दत्त एंड सुंदरम के अलावे आप उमा कपिला खरीद सकते हैं, उमा कपिला 24th एडिशन शायद लेटेस्ट में है, पॉलिसी परफॉर्मेंस जो होगा ना बुक वो वाला लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ना क्या कीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यहां पे जाइएगा, मंथली रिव्यू आता है, ठीक है, मैगजीन आता है उसका मंथली, वहां पे डाउनलोड पीडीएफ में हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसे आप फॉलो करते रहिए ट्विटर पे या फिर उसको गूगल में ऑन करते रहिए, जो लेटेस्ट इकोनॉमी रिलेटेड चीजें है ना वो मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ना करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स था जो मुझे लगता है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ये यूजीसी नेट का प्रिपरेशन और सिंपल करना चाहते हैं, सिंपल वे में मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, दिसंबर का एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा ऐप में, ठीक है, आप कोर्स वहां पर जाके देख सकते हैं, यूजीसी नेट का कोर्स है ना, उसमें कल से वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल लाइव चलेगा, यूट्यूब में 4-5 क्लासेस फ्री रहेंगे, उसके बाद कुछ वीडियो रिकॉर्डेड आएंगे, कुछ लाइव क्लासेस आएंगे, आपके डाउट के लिए चैट बॉक्स भी वहां पे रहेगा, अगर डाउट है तो आप वहां पे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, मैं उसे देखूंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।